खानदारी पहले तो पत्थर की, बैलगाड़ी जोती, अच्छा बैलगाड़ी जोत के नहीं, और फिर हैंडपम्प की मम्मी सब मन की हारे। ये तो पाप है ज्यादा करोगे तो तुम, अच्छा ज्यादा ज्यादा माया जोड़ोगे, पाप है। तो हमारी माता जी यूँ नहीं कहती कि अब आप भी लगे तो हम भी आ जाए लाओ ना। बात मैंने कही भैया कि तू करे क्या, परंतु बाकी तो कुछ गृहस्थी में ऐसा बहुत करने में कि सब कुछ कर लिया। बेटा हमारे, बेटी हमारे, अच्छा 10 नातनी है, अच्छा नाती है, अच्छा सब ने छोड़ सब शादी ब्याह सब बढ़िया। जय श्री राधे। आज मेरे साथ हैं महाराज जी जो 111 की दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं। भरी गर्मी है, गर्मी का मौसम है, देख रहे हैं पसीना आ रहा है पूरे शरीर में। और ये ब्रज क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ की रज रज में, यहाँ के रज के कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का वास है, राधे रानी का वास है। यहाँ बाल क्रीड़ाएँ करी हैं प्रभु श्री कृष्ण ने, यहाँ गायों को चराया है, यहाँ इस गोवर्धन महाराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया है। मेरे पीछे हैं स्वयं गोवर्धन महाराज जिनके कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का स्पर्श है। तो उन्हीं की महिमा महाराज जी से जानेंगे और ये जानेंगे कि भक्ति में ऐसे क्यों लगे, क्या हुआ है, ऐसा गृहस्थ से हैं कि ब्रह्मचारी हैं, ये सब हमें बताएंगे महाराज जी। तो जय श्री राधे महाराज जी। मैं भैया गृहस्थ हूँ। जय श्री राधे महाराज जी। पहले तो मैंने करौली मतलब जिनकी वो करी। अच्छा क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम नाथ माली शिकारगंज। अच्छा कहाँ से हो महाराज जी? करौली शिकारगंज। अच्छा करौली राजस्थान, करौली केला देवी। अच्छा राजस्थान से। महाराज जी बताओ कि ये दंडोती कितनी है आपकी? अब ये 111 की यहाँ से उठाई है। पहले मैंने घर से करी मदर मुंजी, करौली से ही, करौली से मदर मुंजी हमारे 3 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा पहले तो घर से वहाँ करी और फिर मदर मुंजी से पूरे नगर की परिक्रमा, फिर 108 की वो करी। अच्छा अब तीसरी ये उठाई है मैंने दान घाटी से। अच्छा तो गिरिराज जी से कैसे जुड़े महाराज जी? गिरिराज जी से यहाँ की प्रेरणा है गई, टाइम से फ्री कर दिए, अब करना क्या हमें भक्ति करनी। तो गृहस्थ से महाराज जी के ब्रह्मचारी? नहीं गृहस्थ है। अच्छा तो किस माता जी हैं? घरवारी है। अच्छा तो माता जी संग नहीं आती? वो कुछ माया में फंसी आई है। अच्छा फंसी वो मतलब बच्चों में, बच्चों का सुख ले रही है, सुख ले बहु बेटों का। अच्छा तो आपको कैसे ऐसे आगे मतलब चलना है भक्ति करनी? हमें तो भगवान की भक्ति करनी में सब कुछ कर लिया, बेटा हमारे, बेटी हमारे, अच्छा 10 नातनी है, अच्छा नाती है, अच्छा सब ने छोड़ सब शादी ब्याह सब बढ़िया दे सब सेवा सब कुछ है। अब हम अपने पाप में भक्ति में लगे हैं। तो पहले क्या करते थे महाराज? पहले हम भैया खान करी पहले तो पत्थर की, बैलगाड़ी जोती, अच्छा बैलगाड़ी जोत के नहीं, और फिर हैंडपम्प की मिस्त्री बनाया। अच्छा हैंडपम्प बाट पोस्ट में काम करे, प्राइवेट ठेका पे ऐसे काम करते करते सबन की भैया बास हुए गई। अच्छा अब ये भक्ति में जुड़ गई। अब भक्ति में लग गए। तो कब से हो महाराज जी ऐसे, ये संन्यास कब से लिया है? अब संन्यास तो अब हमें कम से कम नहीं तो 10-8 साल 8-10 साल हो गई। हाँ। अच्छा अब कितनी उम्र होगी महाराज? हमारी 68 साल की उम्र है। 68 साल की। 68 साल। तो शरीर में कोई परेशानी, दर्द वगैरह नहीं होता? कोई परेशानी नहीं, सब प्रभु बड़ा डॉक्टर तो वो बैठे हुए। अच्छा वो डॉक्टर है? अच्छा नहीं सबसे बड़ा डॉक्टर तो है, विश्वास है, विश्वास है। तो ऐसी क्या महिमा है कि मैं देखता हूँ कि दंडोती लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ खींचे चले आते हैं श्रद्धालु भक्त, ऐसा क्या है यहाँ? यहाँ में कुछ शक्ति ऐसी है जो वासे चले आता है। क्या है ऐसा? अब ये तो भगवान ही जानता है क्या है क्या नहीं है। तो महाराज जी ऐसा कभी मन नहीं हुआ कि अब क्यों लगाऊं दंडोती, किस लिए लगाऊं, क्यों लगाऊं, क्या कारण? यही मन होता है और लगा। अच्छा? और कर। अच्छा हाँ। तो कभी इन्होंने दर्शन दिए? अब ये तो भैया हम जाने कि क्या करे और क्या नहीं करे। महिमा है, महिमा है। तो इनकी महिमा ऐसी कैसी है? मैंने सुना है मनोकामना भी पूरी होती है। पूरी जो इच्छा करता है वो पूरी इच्छा होती है। अच्छा सब मनोकामना पूरी करने वाले हैं? पूरी करने वाले हैं ये। अच्छा बड़े दयालु हैं, बड़े भक्तों के नाना नाच ना चाहे। तो अब रहना पहना कैसे रहता है महाराज? रहना पहना हम तो ऐसे चलते हैं, साइकिल है, साइकिल साथ है हमारे, साइकिल भाई, साइकिल। खाना पीना? खाना पीना तुम जैसे मले दे जाते भक्त लोग। अच्छा वही खाना पीना? कुछ नहीं। एक दिन में कितनी लगा लेते हो महाराज जी? अब एक दिन में भैया 15 चल रही है हमारी, मतलब 108 की 15 बार लगा देते हो। मतलब 108 की पूरे दिन में, सुबह शाम लगाते हो, गर्मी में भी दिन में भी लगाते हो? सुबह सुबह उठता हूँ मैं 5 बजे, 4 बजे के आता हूँ, 5:30 बजे लगा लगाता हूँ, 10 बजे तक 9-10 कर जाता हूँ। अच्छा अब ये 11 में कर दी, अब 15 में वहाँ करके छोड़ दूँ। 3-4 बजे लग जाते हो फिर लगा देते हो? यही दिन चल रहा है, इसी में आनंद है, यही में
अच्छा, तो घर पर से कोई कॉल मिले या फिर कोई वो नहीं आता? सब आते रहे, रामा कृष्ण करते रहे। घर वाले आते हैं कभी मिलने? हाँ हाँ आते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया, तुम लग रहे हो, हमें क्या करना है? तुम अपने गृहस्थ में लगे, तुम चले रहो, करते रहो, हमारा यही काम, हमारा यही काम, भक्ति का काम, भक्ति का। गिरिराज जी ने बुला लिया है बस, हम तो गुरु की शरण में आ गए, हम तो यही क्यों हमें लगे हैं। तो हमारी माता जी यूँ नहीं कहती कि अब आप भी लगे हो तो हम भी आ जाए? लाओ ना बासे, मैंने कही भैया कि तू करे क्या है, परंतु बाकी तो कुछ गृहस्थी में ऐसा मोल फंसवाए हुए, वो नाती पोतों में नहीं, नाती पोता में नहीं है, पर तो लोभ में इतना है कि हा पैसा, हा पैसा ला। अच्छा है, काम कर, तो अब क्या करेंगे पैसा कमाते? ये जिंदगी में कमाई से नहीं धापी, अब या बुढ़ापे में क्या कमाई से? तो महाराज जी अच्छा एक बात बताओ, पैसे से होता क्या है? अरे सब मन की हार है, ये तो पाप है ज्यादा करोगे तो तुम। अच्छा, ज्यादा ज्यादा माया जोड़ोगे, पाप है, इतना ही दो भगवान, बस काम चलते रहे, काम चलते रहे, नाथदार को बाको मान सम्मान रहते रहे और सबकी बात हो रही थी। बहुत सही बात कही, ज्यादा गांठ बांधोगे, चोरी चकोरी सब दुनिया भर की हेड़े के हेड़े के बाको। तो माता जी कितनी उम्र की होंगी अभी? बाकी भी हमारी उम्र है जी, बाकी 65 साल तो होगी, 65 साल का। हाँ अच्छा, तो माता जी लेकिन वो माया से मुक्त नहीं हो पाई, आप हो गए, आप आ गए। हम सब सन्यास करके नहीं, बल्कि भाई तू जान तेरा काम जान। अच्छा, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, हमें तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऐसे भक्त हैं, ऐसे धन्य महापुरुष हैं जो कि हमारी माता जी हैं, जो माता जी हैं वो मोह माया में लिप्त हैं, अभी वो उससे मुक्त नहीं हो पाई अपने नाती पोतों में, धन दौलत में। लेकिन महाराज जी हमारे दंडौती की परिक्रमा लगा रहे हैं अनवरत, 8-10 साल हो गई हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं, गिरिराज महाराज की भक्ति में लीन हैं, एक बार करौली से यहाँ तक आ चुके हैं और अब दंडौती की परिक्रमा लगातार लगा रहे हैं। कितना वक्त हुआ महाराज जी लगाते लगाते? अब मैंने उठाइए भैया, घर से चलूँगा 10 तारीख को, यहाँ से उठाई मैंने 12 तारीख को। अच्छा, अभी एक महीना हुआ है, साइकिल से आया हूँ घर से ही। हाँ अच्छा अच्छा, घर से साइकिल से आया हूँ। अच्छा, पहले ब्रज 84 की परिक्रमा करो हर साल। अच्छा, साइकिल से ही। तो वैसे ही लगा के पूरी समाप्त करके फिर घर पे जाओगे? अब घर पे तो भैया जी जाना, प्रभु जाना आना जाना रहता नहीं, वो भगवान की माया। तो अब पूरी तरह संपूर्ण संन्यास ले लिया है और घर पे आना जाना वो तो भगवान तय करते हैं, गोवर्धन महाराज तय करते हैं। लेकिन दोस्तों ये ब्रज है, ये ब्रज क्षेत्र है, ये गिरिराज जी हैं, यहाँ अगर कोई एक बार आता है यहीं आकर रह जाता है, यहीं गिरिराज जी के कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का स्पर्श है, राधे रानी का वास है। इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहे, ऐसी भक्ति की वीडियोस देखते रहें और गोवर्धन महाराज के भक्तों की, परम भक्तों की जो दंडौती लगा रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं उनके दर्शन। जय श्री राधे बोल, गोवर्धन महाराज की जय।